देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन मिशन मोदी अगेन पीएम महानगर मथुरा द्वारा मनाया गया। वहीं स्थानीय होटल में 17 सितंबर को जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उपस्थित सभी अतिथियों द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें स्वैच्छिक रक्तदान, गरीबों के भोजन एवं बच्चों के प्रतियोगिता के सेवा कार्य किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम गोपाल काका जी द्वारा नरेंद्र मोदी जी को देश का कोहिनूर बताया। और माननीय पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं मथुरा वृंदावन के विधायक श्रीकांत शर्मा द्वारा नरेंद्र मोदी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कठिन परिश्रम एवं लगन के साथ उन्होंने कहा कि जो मोदी जी कार्य कर रहे हैं उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि देश विश्व के प्रथम स्थान पर अति शीघ्र हासिल कर लेगा। जिलाध्यक्ष भाजपा श्रीमती मधु शर्मा द्वारा बताया गया कि जो कार्य अन्य सरकारें 70 सालों में नहीं कर पाई वह भाजपा के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 7 सालों में किए हैं। वही प्रदेश उपाध्यक्ष हीरा सिंह कुंतल, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष चेतन स्वरूप, बी आर शर्मा सहित सभी अधिवक्ताओं ने मोदी जी के जीवन पर आधारित बातों को बताया। वही वक्ताओं ने मोदी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन के परिश्रम एवं लगन, त्याग, देश सेवा तथा सभा में उपस्थित सभी लोगों ने बारी बारी से बताया। बता दें कि विनोद देशवाल, महानगर अध्यक्ष मिशन मोदी अगेन पीएम मथुरा द्वारा सभी अतिथियों का सापा पटुआ पहनाकर स्वागत किया गया है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर पर छाया चित्र देखकर उनको लगता है कि जल्द ही इसका सपना साकार हुआ है। वही अभियंताओं ने बताया कि जिस तरह से देश में एक अलग पहचान नरेंद्र मोदी की वजह से मिली है उसे दुनिया भर में लोहा माना जा रहा है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से देश की कमान नरेंद्र मोदी संभालेंगे। उन्होंने कहा कि लगातार देश में प्रचल बहुमत के साथ साथ देश में विकास की गाथा भी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गाही गई है। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही विकास कार्यों की समीक्षा के बात करें तो जिस तरह से देश में नरेंद्र मोदी का एक अलग ही रुतबा है और जिस तरह से देश में विकसित क्षेत्र में लगातार लोगों के मन में नरेंद्र मोदी के लिए प्यार और मोहब्बत है उससे वह कभी नहीं भुला सकते और 2024 में यही एक तरफ का पत्ता साबित होगा। मथुरा से अनुदित शर्मा की ये खास रिपोर्ट। आज पूरा भारत और दुनिया में जहाँ जहाँ भारत के लोग हैं या जो भारत को ऐसे भी लोग हैं जो विश्वगुरु देखना चाहते हैं, हमारे सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं और हम सब ब्रजवासी प्रभु से कामना कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को खूब दीर्घायु रखें, अच्छा स्वास्थ्य उनको मिले और जो एक संकल्प है उनका माँ भारती को विश्वगुरु बनाने का वह संकल्प पूरा हो और हम सब भारत के लोग उस संकल्प में सब सहयोगी बने। हम सब लोग आज ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं और हर जगह पूरे सुबह से ही लेकर पूरे विश्व देश भर में सब प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के कार्यक्रम सेवा सप्ताह के रूप में हम लोग मना रहे हैं। तो कई जगह डोनेशन, ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे हैं और भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं, कई स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम चल रहे हैं। तो सब अपने अपने जहाँ जहाँ जिसकी जो क्षमता हिसाब से कार्य कर रहे हैं सब लोग अपने प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। सारी बात वही सवालों की लंबी लाइन है, महंगाई पर दो शब्द बोल दें। राधे 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 करते रहेंगे बाद में। खूब प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि गरीब की जो रीच है उसमें सारी चीज़ें उसको मिले। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मौसम की मार के कारण होती है, सरकार लगातार अपना प्रयास कर रही है। नहीं इसमें मौसम नहीं कहेंगे, घी, तेल, आटा, गैस सिलेंडर जो अभी आपने कहा था प्रयास कर रहे हैं। जो गरीब आदमी है उसको उसकी जो रीच है उसके अंदर सब चीज़ें उसको मिले ऐसा हमारा प्रयास है। धन्यवाद, नमस्कार।